नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट थ्योरम. नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? ए बाउंडेड फंक्शन हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन ए बी इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी. कहने का क्या मीनिंग है? भी कोई भी बाउंडेड फंक्शन है उसके पास क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो वो फंक्शन भी क्या होएगा? इंटीग्रेबल होएगा. इंटीग्रेबल मीनिंग रिमान इंटीग्रेबल होएगा. तो रिमान इंटीग्रेबल के लिए इससे पहले वाली थ्योरम हम पढ़ चुके, उसमें क्या बताया था हमने कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी रिमान इंटीग्रेबल इज दैट कि ओसिलेटरी सम क्या होएगा? लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा. ओसिलेटरी सम मीनिंग अपर सम माइनस लोअर सम इज ए लेस देन एप्सिलॉन. क्या प्रूफ कर दें भैया हमें? अपर सम माइनस लोअर सम एप्सिलॉन से लेस हो. ठीक है, तो फंक्शन कैसा गिवन है? बाउंडेड गिवन है. कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है? कह रहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है. किस इंटरवल पे? ऑन द इंटरवल ए बी पे. फाइनाइट का मीनिंग दो भी हो सकती, तीन भी हो सकती, चार भी हो सकती है. तो हमने क्या ले लिया? पी पॉइंट ले लिए क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, जहाँ फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूस है. ठीक है, और फंक्शन गिवन क्या है आपको? बाउंडेड है. तो बाउंडेड है तो इसका अपर बाउंड भी होगा और लोअर बाउंड भी होगा. सेम, तो फॉर ए एप्सिलॉन पॉजिटिव एज एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी. एज मीनिंग गिवन आपको, एफ बाउंडेड है ए बी पे, तो उसका अपर बाउंड भी होगा लोअर बाउंड भी होगा. सपोज कैपिटल एम, तो क्या ले लिया? लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए फंक्शन एफ इन द क्लोज इंटरवल ए बी. और स्मॉल एम क्या ले लिया हमने? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए फंक्शन एफ ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी. ठीक है, और पी पॉइंट ले लिया हमने ए वन ए टू ए पी बी द फाइनाइट नंबर ऑफ ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ इन द इंटरवल ए बी. कहा ना इसने स्टेटमेंट में कितनी डिसकंटिन्यूटी है? फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है. तो फाइनाइट कितनी हमने मान लिया? पी पॉइंट है ए वन ए टू ए पी विद अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ले ली हमने फंक्शन एफ की, और पी पार्टीशन ले लिया. ठीक है, क्योंकि पार्टीशन की तो जरूरत पड़ेगी हमें. पी वी ए पार्टीशन सच ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एनक्लोज्ड इन पी नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल. क्या कहता है कि पार्टीशन जो इस तरह लेंगे कि जो आपके पास ए वन ए टू ए पी जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो उन सब इंटरवल से बाहर नहीं जाएगी, उसी के अंदर आ जाएगी. तो सब इंटरवल कौन से ले लिए इसने? देखो ये ए से बी तक इंटरवल है, और ए वन ए टू ए पी ये क्या ले लिए? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ले लिए. और पी ऐसे सब इंटरवल लेने हैं जिनके अंदर ये सारे पी पॉइंट आ जाएं आपके पास. पार्टीशन इस तरह करना है, एक तो ए वन डैश से ए टू डबल डैश, ए वन डबल डैश तक फर्स्ट इंटरवल जिसके अंदर ए वन आ गया. दूसरा इंटरवल ले लिया ए टू डैश से ए टू डबल डैश जिसके अंदर ए टू आ गया. सिमिलर डैश डैश लगा के हम ए पी डैश से ए पी डबल डैश जिसके अंदर ए पी आ गया, क्योंकि इसने बोला ना कि इस तरह पार्टीशन लेना आपने सच दैट ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी गेट इनक्लोज इन पी नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल. ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग मीनिंग जो आपके पास ये पी पॉइंट हैं ए वन ए टू ए पी, तो इन सब इंटरवल के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे. ठीक है, और क्या ले लिया? इन ये जो सब इंटरवल्स हैं आपके, इनकी जो टोटल लेंथ है हमने क्या सपोज कर ली? विच इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन टू इन टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम. क्यों लिए हमें लास्ट में पता लगेगा. ठीक है, अब नाउ क्या प्रूफ करना हमें कि फंक्शन को रिमान इंटीग्रेबल दिखाने के लिए क्या प्रूफ करें हम? अपर सम माइनस लोअर सम क्या हो जाए? लेस देन एप्सिलॉन हो जाए. ठीक है, तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट, ये चेक करना हमें. एक तो ये सब इंटरवल्स ले लिए हमने ए वन डैश ए वन डबल डैश ए टू डैश ए टू डबल डैश ए पी डैश ए पी डबल डैश. द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑसिलेटरी सम फ्रॉम दीज सब इंटरवल क्या बनता है भाई? अपर सम का मीनिंग क्या है कि फंक्शन की ये मीनिंग होएगा आपके पास भी समीशन कितने सब इंटरवल करे पी लिए हमने भी आर गोइंग फ्रॉम वन से पी जाएगा. ठीक है, और यू एफ पी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? कैपिटल एम इंटू इंटरवल की लेंथ, लेंथ आ जाएगी. ठीक है, ऐसे बनता है आपके पास. और एल एफ पी का मीनिंग क्या होएगा? समीशन आर गोइंग फ्रॉम वन टू पी स्मॉल एम इंटू इंटरवल की लेंथ. ठीक है, तो यहाँ वैसे ही करेंगे हम. तो हमने तो क्या चेक करना है कि अपर सम माइनस लोअर सम क्या होएगा. ठीक है,
तो आपके पास इनके अंदर बीच में वही आरएथ सब इंटरवल बनेगा, तो आरएथ के हिसाब से ले लेंगे हम। तो क्या बनेगा, समीशन आर गोइंग फ्रॉम वन टू पी कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इन टू द आर एथ सब इंटरवल, जो बनेगा ए आर डबल डैश माइनस ए आर डैश, ठीक है। और हमें पता है कि जब कैपिटल एम आर क्या लिस्ट अपर बाउंड है एफ का इस इंटरवल पे, और स्मॉल एम आर क्या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इस इंटरवल पे, ठीक है। तो कैपिटल एम आर और कैपिटल एम में क्या रिलेशन होता है, एम आर इज लेस दैन इक्वल टू एम और एम इज लेस दैन इक्वल टू एम आर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एम आर माइनस स्मॉल एम आर विच इज लेस दैन इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये रिलेशन जो इक्वल था यहाँ लेस इक्वल साइन आ जाएगा, क्या रिप्लेस कर देंगे, एम आर की जगह कैपिटल एम, स्मॉल एम आर की जगह स्मॉल एम, और ये लेंथ यू क्यों, और बीच में सिंबल चेंज हो जाएगा क्योंकि इनके बीच में लेस इक्वल का सिंबल है, ठीक है। तो ये एम और माइनस एम तो बाहर निकाल लेंगे, और समीशन कहाँ पे है, आर गोइंग फ्रॉम वन से पी है, तो ए आर डबल डैश माइनस ए आर डैश हो जाएगा आपके पास। और अभी अभी आपको क्या बताया था कि लास्ट में जो हमने सपोज किया था इंटरवल की जो लेंथ है वो क्या ली थी, विच इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन टू इंटू एम माइनस स्मॉल एम, ये ली थी हमने, सपोज की थी ना डायरेक्ट। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, इंटरवल की लेंथ है, टोटल लेंथ बोली थी हमने, तो टोटल लेंथ आएगी फर्स्ट आर को वन रखोगे तो फर्स्ट इंटरवल की, टू रखोगे तो सेकंड इंटरवल की, पी रखोगे तो पीएथ इंटरवल की आई, उन सब का सम हमने क्या लिया था, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन टू इंटू एम माइनस पी। अब एम माइनस स्मॉल एम से ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कि एप्सिलॉन बाय टू, और एप्सिलॉन बाय टू को हम एप्सिलॉन डैश भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन बाय टू छोड़ दें हम, तो अपर सम माइनस लोअर सम क्या हो गया, एप्सिलॉन बाय टू से लेस हो गया। इसका मीनिंग जब आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो भी फंक्शन क्या हो गया आपके पास, उसका ओसिलेटरी सम लेस देन एप्सिलॉन आ गया, एप्सिलॉन से लेस आने से क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, रीमान इंटीग्रेबल। अब ये देखो बच गए कौन कौन से जो आपके पास, देखो यहाँ थे, अब आपने इंटरवल ये तो ले लिए ए वन डैश ए वन डबल डैश, बच गए क्या, ए से ए वन डैश बच गया ये वाला इंटरवल, और ए वन डबल डैश ए टू डैश बच गया, और ए टू डबल डैश से ए थ्री डैश बच गया, तो ये वाले अलग बच गए। इनके ऊपर भी चेक करना पड़ेगा, जो बीच वाले पी इंटरवल हैं इन पे तो हमने चेक कर लिया कि फंक्शन का जो ओसिलेटरी सम है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया, बट इनके अलावा जो आपके पास इंटरवल बचे ए से ए वन डैश और ए वन डबल डैश ए टू डैश बचा है, ए टू डबल डैश से ए थ्री डैश बचा है, ऐसे ही ए पी डबल डैश से बी, ये सारे बच गए। इनके ऊपर भी हमें चेक करना कि फंक्शन का जो ओसिलेटरी सम है वो लेस देन एप्सिलॉन आता है नहीं आता। तो कितने सब इंटरवल बच गए, रिमेनिंग पी प्लस वन सब इंटरवल बच गए, ठीक है। इन कौन कौन से हैं, ए वन ए से ए वन डैश, ए वन डबल डैश से ए टू डैश, और ए पी डबल डैश से बी, ये सब इंटरवल बच गए। और एफ इज कंटिन्यूस क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो ए वन डैश ए टू डैश ए थ्री डैश और इन सब इंटरवल के बीच में जो पॉइंट आए थे उन पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस था, उनके अलावा जितने पॉइंट बच गए मीनिंग ये इंटरवल जितने भी बच गए इनके ऊपर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। जो पी प्लस सब इंटरवल है उनके ऊपर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। और हम इससे पिछली थ्योरम क्या कहती है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन और जो बाउंडेड है ऑन ए क्लोज इंटरवल पे फंक्शन क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। रीमान इंटीग्रेबल हो गया तो उसका ओसिलेटरी सम वैसे ही एप्सिलॉन से लेस आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे कि नाउ एफ इज कंटिन्यूस ऑन ईच दीज सब इंटर पी प्लस वन सब इंटरवल, सो इट इज इंटीग्रेबल इन ईच सब इंटरवल। तो ये सारे के सारे सब इंटरवल पे फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा क्योंकि फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस है और इंटीग्रेबल हो गया, तो उसका ओसिलेटरी सम क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओसिलेटरी सम कितने हैं, पी प्लस वन सब इंटरवल है ना, उनकी टोटल लेंथ को हमने एप्सिलॉन अपॉन टू इंटू पी प्लस वन से लेस मान लिया। तो क्या बनेगा आपके पास, यू एफ पी माइनस एल एफ पी वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखा था हमने कि अपर सम माइनस लोअर सम, एम आर माइनस स्मॉल एम आर, एम माइनस स्मॉल एम, और टोटल लेंथ क्या दिखा दी थी हमने, एप्सिलॉन अपॉन टू इंटू पी प्लस वन। और कितने सब इंटरवल आपके पास, पी प्लस वन सब इंटरवल है, तो पी प्लस वन से पी प्लस वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नेक्स्ट क्या बच गया आपके पास, एप्सिलॉन बाय टू। तो आपके पास देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट अपर सम माइनस लोअर सम, इन दोनों को इनको सेकंड आई थी ना, एक
इनसे बचे हुए पार्ट पे तो एप्सिलॉन बाय टू से लेस है, और इन पे भी फंक्शन क्या आ गया आपके पास, एप्सिलॉन बाय टू से लेस आ गया। तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, मीनिंग ऐड कर दें हम, तो क्या बन जाएगा आपके पास, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन बाय टू प्लस एप्सिलॉन बाय टू, एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एप्सिलॉन से लेस हो गया तो फंक्शन क्या हो गया आपके पास, इंटीग्रेबल हो गया ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी पे। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ द सेट ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट। जैसे ये थ्योरम है वैसे ही सेम की सेम ये थ्योरम आपके पास, इसको नहीं कराएंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसका यूज करेंगे थ्योरम का। फर्स्ट ही क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to m, 0 to m पे डिफाइंड है, वेयर m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। क्या कहता है फंक्शन कि एफ एक्स 0 है जब x क्या है, इंटीजर है, और जब इंटीजर नहीं है तब क्या है, 1 है। तो क्या कहता है कि प्रूफ करो फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। अब ये देखो आपका इंटरवल क्या है आपके पास, 0 to m है, ठीक है। और ये क्या कहता है कि जो आपका एफ एक्स फंक्शन दे रखा है वो किसके इक्वल है, जब इंटीजर है, एक्स इज इंटीजर, जब तो क्या आपके पास 1 है, 0 है इफ एक्स इज नॉट इंटीजर, ठीक है। अब हमें ये तो दिख रहा है पहले ये फंक्शन बाउंडेड है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 0 है। ये क्या कहता है कि जब जब इंटीजर है, जब 1 है, और इंटीजर भी कौन से, वो 0 और m के बीच के, ठीक है ना, तो उन इंटीजर पे ऊपर फंक्शन क्या आपके पास है, 1 है, सॉरी उल्टा दे रखा कैसे ही मान लो आप, ठीक है, चाहे फंक्शन ऐसे दे दे चाहे ऐसे दे दे, ठीक है। तो क्या कहता है कि इंटीजर है जब 0 है और इंटीजर नहीं है तब क्या है, 1 है, तो ये फंक्शन इंटीग्रेबल होएगा। क्यों होएगा, कि फंक्शन बाउंडेड है, और जो आपके पास डिसकंटिन्यूटी के जो पॉइंट है, क्योंकि हमें पता है कि ये नंबर मान लेते हैं m की जगह 2 ले लिया माने, फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो ये इंटरवल क्या बनेगा, 0 से 1 बनेगा, ठीक है। इनके बीच में जितने भी इंटीजर आएंगे वहाँ पे तो 0 है फंक्शन, उसके अलावा क्या, 1 है आपके पास है। तो कितने पॉइंट आएंगे, फाइनाइट पॉइंट आएंगे, और फाइनाइट पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन कैसा होएगा, डिसकंटिन्यूस होएगा, क्योंकि जब जब इंटीजर, जब 0 है, ठीक है, इंटीजर नहीं है तब 1 है आपके पास है। तो कैसा फंक्शन है, इंटीजर के ऊपर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। और इंटीजर भी कितने हैं, कि 0 और m के बीच के इंटीजर हैं। अब m 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता है, तो ये इंटीजर वैल्यू मान लें m को 2 फिक्स करेंगे, 2 फिक्स करी हमने तो एक ही आया इंटीजर, एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है। मान लें 4 फिक्स करें तो 2 पॉइंट पे आ जाएगी, ऐसे फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, बीस इंटरवल के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे जिस पे फंक्शन क्या आपका, डिसकंटिन्यूस है। अभी थ्योरम क्या कहती है कि जिस फंक्शन की फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो फंक्शन क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, वो प्रीवियस थ्योरम अप्लाई होगी यहाँ पे। तो क्या क्या कह सकते हैं हमें, क्लियरली द गिवन फंक्शन एफ इज बाउंडेड, ठीक है, बाउंडेड तो है, 0 और 1 इसकी 0 मिनिमम वैल्यू है और 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, और हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने पॉइंट हो गए, 0 और m के बीच के इंटीजर होंगे, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, m माइनस 1 इंटीजर और m तक, ये सारे पॉइंट क्या हो गए, इसके डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आ गए आपके पास। तो कितने हैं, हमें पता है कि m को ये इंटीजर है भी, यहाँ से यहाँ तक हम काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, इतने पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, f इज रिमान इंटीग्रेबल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास f इस तरह डिफाइंड है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 raised to the power n, और वेन कब है ये आपके पास, 1/2 raised to the power n+1 लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/2 raised to the power n, और n क्या है, 0 to 0, 1, 2, 3 up to जितना है, और 0 है जब आपके पास 0। तो ये क्या कहता है कि इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल 0, 1, ऑल दो इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखो ऊपर वाले में इसमें क्या फर्क है, ऊपर तो क्या कहता है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी थी, ठीक है, इसके अंदर तो क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो ये क्या कहता है कि आल्सो, और फिर भी ये इंटीग्रेबल है, फिर कैसे हुआ, क्योंकि इससे नेक्स्ट थ्योरम थी वो क्या कहते हैं कि ए फंक्शन की कितनी डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट, क्या कहने का क्या मीनिंग है, भी आपके पास
डिसकंटिन्यूटी तो कितनी है, इनफाइनाइट है, और उन डिसकंटिन्यूटी का जो सेट बनेगा उनमें ऐसे पॉइंट आएंगे जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट के सेट बनेगा, उनका जो लिमिट पॉइंट का सेट बनेगा, फाइनाइट लिमिट पॉइंट मिलेंगे उसके, उन लिमिट पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या होगा आपके पास, फाइनाइट पॉइंट है, फाइनाइट लिमिट पॉइंट होंगे तो फंक्शन क्या होगा आपके पास, रीमान इंटीग्रेबल। मीनिंग क्या कहने का, क्या मीनिंग है, बी आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, बट जो डिसकंटिन्यूटी का सेट बनेगा, इनफाइनाइट नंबर का सेट बनेगा, उनके लिमिट पॉइंट कितने हैं, वो फाइनाइट हैं, तो फंक्शन क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना, जो सेकंड थ्योरम अप्लाई होगी वो क्या कहते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट देन फंक्शन इज ए रीमान इंटीग्रेबल। अब आपके पास ये फंक्शन है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू, इधर करते हैं इसको एक सेकेंड, क्या है एफ एक्स इक्वल टू, ये है आपके पास 1/2 raised to the power n और 1/2 raised to the power n+1 से लेस देन एक्स से लेस देन इक्वल 1/2 raised to the power n, ये है। और जब n क्या है, 0, 1, 2, 3 up to this है, और 0 है जब आपके पास एक्स क्या है, 0 है, तो इसको हमें क्या दिखाना है, रीमान इंटीग्रेबल दिखाना है। अब ये बनेगा क्या टोटल फंक्शन, हम ये लिखें इसको ऐसे लिख लेते हैं, जब आप n क्या है 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0, 1, 2 up to this, ठीक है, जब आपके पास n को हम 0 रखें तो ये क्या बनेगा, 1/2 raised to the power 0, दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपके पास। और ये एक्स कहाँ लाई करेगा, जब आप एन को 0 रखोगे तो 1/2 से तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाएगा एक्स, और लेस इक्वल क्या हो जाएगा, 0 रखने से 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा, 1/2 raised to the power 1, मीनिंग 1/2 बन जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 का स्केयर विच इज लेस देन एक्स से लेस देन इक्वल 1/2 हो जाएगा। ऐसे कंटिन्यूसली रखते जाएंगे, लास्ट में एन रखेंगे 1/2 raised to the power n, कब आपके पास ये कब आएगा, 1/2 raised to the power n+1 विच इज लेस देन एक्स से लेस देन इक्वल 1/2 raised to the power n, ठीक है। और 0 है जब आपके पास एक्स क्या है, 0 है, ऐसे आपके पास है। तो फंक्शन क्या है, पूरा का पूरा फंक्शन क्या दिख रहा है, बी 1 और 0 के बीच में रह गया आपके पास, पूरा का पूरा फंक्शन लग रहा है ना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 है, फिर 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/ मतलब सारी की सारी वैल्यू कहाँ बिलोंग कर रही है, क्लोज इंटरवल 0, 1 के अंदर। यहाँ से देख के ये लग रहा है कि फंक्शन एफ एक्स पूरा का पूरा कहाँ बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0, 1, कौन से एक्स के लिए, वो सारे एक्स जो आपके क्लोज इंटरवल 0, 1 से हैं, ठीक है। भी यहाँ 1 आया या 0 आया, उनके बीच की आई वैल्यू, तो सारी वैल्यू इसी इंटरवल के अंदर आपके पास है, तो फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी, 0 आ गई। अब ये देखो ये कितनी डिसकंटिन्यूटी बनी आपके पास, ये सेट है, इंटरवल क्या था आपके पास, 0 और 1 था आपके पास, ठीक है। तो पॉइंट कौन कौन से बने डिसकंटिन्यूटी के, इधर से स्टार्ट किया था आपने, जब 1/2 से 1 है आपके पास, इधर जब फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है आपके पास, ये कह दें हम भी 1/2 की पावर 0 करें तब तो क्या आता है, 1 आता है एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। और फिर यहाँ बीच में इधर क्या आ गया, 1/2 आ गया आपके पास, और 1/2 से 1/2 का स्क्वायर है, जब एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है, 1/2 आती है, ठीक है। ऐसे ही 1/2 का स्क्वायर से 1/2 की क्यूब, जब आपके एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है, 1/2 का स्क्वायर, और लास्ट में कह देते हैं 0 आती है, डैश 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 ऐसे चलती है आपके पास वैल्यू। तो हमें कितनी डिसकंटिन्यूटी मिल गई, ऐसे चलती रहेंगी जितनी 2 की पावर बढ़ाते जाओगे एन को, ऐसे चलती रहेंगी। ये पॉइंट क्या आ गया आपके पास, देखो जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं फंक्शन है, तब तो 1 दे रहा है, और
वन बाय फोर से वन बाय टू के बीच में, तब वन बाय टू दे रहा है, मीनिंग वन वन बाय टू स्क्वेयर, वन बाय टू क्यूब, ये पॉइंट क्या हो गए, यहाँ वन है या वन बाय टू, फिर वन बाय थ्री, ये पॉइंट कैसे हो गए, डिसकंटिन्यूस हो गया फंक्शन इन पॉइंट के ऊपर। और ये पॉइंट कितने हो गए, कितने पॉइंट बन गए, ये तो ये सेट बन गया आपके पास एक किस्म से, जीरो से स्टार्ट होके वन बाय टू, वन बाय टू का स्क्वेयर, वन बाय टू का क्यूब, डैश डैश डैश, जितना इनको आप बढ़ा सकते हो उतना बन गया आपके पास। कितने हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो गए डिसकंटिन्यूटी के, ठीक है। बट इस पे लिमिट अप्लाई करें इस सेट पे, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या बनता है, सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है इस सेट का, वो क्या है, जीरो है। तो डिसकंटिन्यूटी तो इनफाइनाइट होगी, लिमिट पॉइंट क्या है, सिर्फ जीरो है, तो फंक्शन क्या होगा, वो सेकेंड वाली थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। रिमान इंटीग्रेबल है तो देन आपने इवेलुएट करके दिखाना है कि जो इसका इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा। अब इंटीग्रेशन तो क्या बनेगा आपके पास, कि वन बाय टू की पावर एन से वन तक एफ एक्स डी एक्स, ये निकालना है। तो क्या बनेगा भाई आपके पास, ये ऐसे चलेगा वन बाय टू से वन एफ एक्स डी एक्स प्लस वन बाय टू के स्क्वायर से वन बाय टू तक एफ एक्स डी एक्स डैश डैश डैश, लास्ट में क्या चलेगा, वन बाय टू की पावर एन से वन बाय टू की पावर एन प्लस वन, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ये ऐसे चलेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि वन बाय टू से वन के बीच फंक्शन की वैल्यू कितनी है, वन है, और वन बाय टू का स्क्वायर से वन बाय टू, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन बाय टू है। ये पुट कर देंगे हम, इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लेते, क्या बनेगी, वन बाय टू से वन तक फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन है, वन डी एक्स हो जाएगा, प्लस में वन बाय टू का स्क्वायर से वन बाय टू तक फंक्शन की वैल्यू क्या, वन बाय टू डी एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब टू डैश डैश, तो आपके पास वन बाय टू की पावर एन से वन बाय टू की पावर एन प्लस वन तक फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, सॉरी एन माइनस वन तक जाना है, प्लस वन तक नहीं जाना हमें, वन बाय टू की पावर एन माइनस वन डी एक्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स बनेगा, एक्स की अपर लिमिट वन, वन माइनस वन बाय टू, मीनिंग क्या बन जाएगा, वन माइनस वन बाय टू आ जाएगा। अब प्लस वन बाय टू को इसको बाहर निकाल लें, अंदर क्या आ जाएगा, वही एक्स आएगा, इंटीग्रेशन लिमिट रखेंगे तो वन बाय टू माइनस वन बाय टू का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट सिमिलरली आगे वाली रखेंगे तो वन बाय टू का स्क्वायर बाहर होएगा, अंदर क्या आ जाएगा, वन बाय टू का स्क्वायर माइनस वन बाय टू का क्यूब, प्लस में नेक्स्ट लास्ट वन बाय टू की पावर एन माइनस वन से वन बाय टू की पावर एन माइनस वन माइनस वन बाय टू की पावर एन, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये क्या आएगा, वन माइनस वन बाय टू, वन बाय टू हो जाएगा, ठीक है, वन बाय टू प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वन बाय टू बार है, एलसीएम लेके करेंगे, अंदर क्या आएगा आपके पास, वन बाय टू का स्क्वायर प्लस वन बाय टू का स्क्वायर बार है, अंदर क्या आएगा आपके पास, वन बाय टू की क्यूब बच जाएगा, डैश डैश लास्ट वन बाय टू की पावर एन माइनस वन, अंदर क्या आ जाएगा, वन बाय टू की पावर एन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास, वन बाय टू सारे से कॉमन ले हम, तो अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म वन है प्लस वन बाय टू का स्क्वायर बच जाएगा प्लस वन बाय टू का स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा प्लस वन बाय टू का स्क्वायर की क्यूब अप टू वन बाय टू के स्क्वायर की पावर एन माइनस वन, ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप ये अंदर क्या बन गई, जी पी बन गई, जिसका कॉमन रेशो क्या बनेगा, वन बाय टू का स्क्वायर, और तो ये सम लिख दिया हमने, वन बाय टू का स्क्वायर की पावर एन अपॉन वन बाय टू का स्क्वायर, जी पी का सम लिख दिया। वन बाय फोर करोगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, थ्री बाय फोर, इधर आके क्या बन जाएगा, टू कैंसिल हो जाएगा, टू बाय थ्री हो जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, वन माइनस वन बाय फोर की पावर एन। ये वैल्यू किसकी आई है आपके पास, इंटीग्रेशन वन अपॉन टू रेस टू द पावर एन से वन एफ डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आई है, टू बाय थ्री इन टू वन माइनस वन बाय फोर रेस टू द पावर एन, ये आई। अब इस पर क्या करेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन वन अपॉन टू रेस टू द एन है इन्फिनिटी, ये जीरो बन जाएगा आपके पास। तो इंटीग्रेशन जीरो टू वन एफ डी एक्स इज इक्वल टू टू बाय थ्री, लिमिट तो इधर अप्लाई हो जाएगी,
वन माइनस इस पे इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करोगे, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, टू बाई थ्री आ जाएगी आपके पास वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे। थैंक यू।